मैं हूं हरीश चावला और आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस खबर। अब हरियाणा के सीएम सिटी यानी कि करनाल से। पूरे हरियाणा में कोविड 19 यानी कि कोरोना इस समय पूरी रफ्तार से चल रहा है। ऐसे में कई परीक्षाएं भी चल रही हैं। अब प्रशासन और स्कूल प्रबंधन की जिम्मेदारी अब और भी बढ़ जाती है। हालांकि कल ही स्कूल खोलने की इजाज़त हरियाणा सरकार ने दी थी, जिसमें कहा गया था कि बच्चे जो है गाइडलाइन लेने के लिए स्कूल आ सकते हैं। ऐसे में अब प्रशासन की जिम्मेवारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है कि सुरक्षा और सावधानी का ख्याल कैसे रखा जाए। सुरक्षा और सावधानी का ध्यान रखते हुए बच्चों के एग्ज़ाम अब दिलवाए जाएं। हमारा इन बातों का जिक्र करने का मकसद सिर्फ इतना है कि अब CBSE की 10वीं और 12वीं की कंपार्टमेंट की परीक्षाएँ भी शुरू हो गई। हालांकि जिला प्रशासन और स्कूल प्रबंधन कोरोना को लेकर चौकस तो दिखाई दे रहा है। यहां यह भी बता दें कि करनाल में 3 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर 29 सितंबर तक अब रोजाना परीक्षाएं होगी। सभी नियमों को फॉलो किया जा रहा है। आपको यह भी बता दें कि करनाल में CBSEI की 10वीं और 12वीं की कंपार्टमेंट परीक्षा में तमाम बच्चे सावधानी के साथ पहुँचे हैं। सब ने मास्क लगाया हुआ है, सब अपनी जेब में सैनिटाइजर डालकर आए हुए हैं। वहीं स्कूल में एंट्री होते वक्त बच्चों की बकायदा थर्मल स्क्रीनिंग भी की जा रही है। वहीं तमाम टीचर जिन्होंने एग्ज़ाम के दौरान ड्यूटी दी, वो भी सभी सावधानियों के साथ पहुंचे हुए थे। करनाल में 3 परीक्षाएं केंद्र बनाए गए और अब 29 सितंबर तक रोजाना परीक्षा होगी। हम अभिभावकों से भी अपील करेंगे और ख़ासतौर पर बच्चों को सचेत करेंगे जो 10वीं और 12वीं कक्षा की कंपार्टमेंट की परीक्षा दे रहे हैं, वो मास्क बिल्कुल डालकर जाएं और सैनिटाइज़र का लगातार इस्तेमाल करें और परीक्षा केंद्र में बिल्कुल बकायदा दूरी बनाकर परीक्षा एग्ज़ाम में बैठें। तो यह थी करनाल से 10वीं और 12वीं की परीक्षा को लेकर यह खबर। बने रहें लगातार हमारे साथ, फिर हाजिर होते हैं आपके साथ समाचार एक्सप्रेस के साथ। डिस्टेंसिंग मतलब ठीक था, एक क्लास में कम बच्चे थे, अच्छा था। तो सेफ्टी के ध्यान रखा गया? हाँ जी, हाँ जी, सेफ्टी भी पूरी थी, टीचर्स की तरफ से भी, पूरे स्टाफ की तरफ से सब कुछ था। आपका नाम? गगन। तो आप देख सकते हैं हर तरफ से सैनिटाइजर, टेम्परेचर मेजर करके बच्चों के पास पर्सनल सैनिटाइजर, अपना खुद का मटेरियल, टीचर्स आल्सो, मैंने भी अभी ग्लव्स उतारे हैं, देखिए मेरे हाथ थोड़े, और प्रॉपर सैनिटाइज रूम थे और बच्चों कमरे में वन बेंच छोड़ के काफ़ी डिस्टेंस था बच्चों के। तो स्कूल प्रबंधन ने पूरी तैयारी कर रखी सर, मतलब हाई लेवल पे, मतलब कोई भी किसी भी तरह की छूट नहीं। आपका नाम? माय नेम शीतल। तो बच्चे दूर दूर बिठा रखे थे और मतलब ज़्यादा भीड़ नहीं हुई अंदर, डिस्टेंस भी चल रहे थे, जाते हुए भी आते हुए भी, बाकी तो ठीक था। एग्ज़ाम भी मुश्किल नहीं था, मतलब जो पहले वाला था उससे तो ईजी था। तो जो सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर, ये सब बातों का ध्यान रखा गया था? हाँ, वो डिस्टेंसिंग ही बैठे हुए थे और एक सर थे वो बार बार आगे चेक कर रहे थे कि भाई मास्क लगे हुए हैं सबके या नहीं लगे हुए, सैनिटाइजर हैं कि नहीं है। तो स्कूल प्रबंधन की तरफ से तैयारी ठीक थी? हाँ, तैयारी ठीक। आपका नाम? द्रोण। क्योंकि मैं खुद लुक आफ्टर कर रहा हूँ बोर्ड की तरफ से करनाल को, और तीनों CBSE ने प्रॉपर ऑब्जर्वर अपॉइंट किए हुए हैं और आप मुझे देख रहे हैं, पूरा मास्क और ग्लव्स और सैनिटाइजर का पूरा सामान बच्चों को लिए, किसी तरह की दिक्कत नहीं आए। तो ऐसे ही सब सेंटर्स पे अरेंज करके और टीचर्स को प्रॉपर ग्लव्स को प्रोवाइड कराए गए और बड़ी क्लियर सा बच्चों को दिया है। एक कमरे में 12 से ऊपर बच्चा नहीं है, इवन कम है तो अगर बाद में 5 बजते तो 5 बच्चों का ही रूम बनेगा, 4 है तो 4 पे ही रूम बनेगा। तो ये सारा ध्यान में रखे और अच्छे से बच्चों को किसी तरह की सुविधा ना हो, प्रॉपर आपने देखा स्कूल में पूरे गोले लगे हुए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा हुआ है और उनका टेम्परेचर चेक हुआ है, सारी चेकिंग के बाद ही बच्चों को अंदर आने दिया। आने वाले दिनों में भी एग्जाम है, डेली रूटीन में है, ये कल भी है, परसों भी, 29 तक डेली है, किस दिन 4 बच्चे हैं तो किस दिन 140 बच्चे, किस दिन 125 बच्चे हैं, तो रूटीन में और पूरी प्रॉपर तैयारी के साथ है और हम लोग बिल्कुल डट के प्रोग्रामिंग के साथ बच्चों को कोऑपरेट करेंगे और बच्चों का एग्जाम हो रहा है उसमें बच्चे भी पूरा बढ़ चढ़ कर भाग ले। जो बच्चे आ रहे हैं उन लोगों को, उन बच्चों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको यही संदेश देना कि बच्चों घबराना नहीं है, क्योंकि आज बच्चों से देख लिया है, आप अपना सैनिटाइजर का सामान, अपना मास्क, अपने ग्लव्स, अपना पेन, पेंसिल, ट्रांसपेरेंट बोतल के अंदर अपना पानी खुद लेकर चलें, ताकि कम से कम टचिंग का काम हो और आपको दिक्कत हो। और कौन कौन से सेंटर बनाए? सेंट थ्रेसा कॉन्वेंट करनाल और केंद्रीय विद्यालय करनाल और टैगोर बालिकेतन, 3 फिक्स सेंटर करनाल डिस्ट्रिक्ट को कवर कर रहे हैं, जिसपे अप्रोक्सीमेटली
600, 600, 1200, 1230, 1240 बच्चा पूरा डेली रूटीन में, तो किसी भी सेंटर पे ज्यादा बच्चा नहीं है, मतलब मैक्सिमम 100। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।